ओके हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विजय हजारे ट्रॉफी महाराष्ट्र वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच में होने वाले मैच के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन और दोनों टीम की की प्लेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, अब दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों, और घंटी वाला आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों मैच की डिटेल्स देखा जाए तो दोस्तों ये मैच महाराष्ट्र वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच में विजय हजारे ट्रॉफी हो रहे हैं। दोस्तों ये मैच कल होने वाले हैं और इंडिया के टाइम के अनुसार ये मैच 9 बजे शुरू होगी दोस्तों। और दोस्तों ये मैच रिलायंस स्टेडियम वडोदरा में होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों महाराष्ट्र की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, अंकित बावने, केदार जाधव कप्तान है दोस्तों, निखिल नाइक विकेट कीपर है, नौशद शेख, सामद फाला, अजीम खाजी और सत्यजीत बचाव, मुकेश चौधरी इस टीम के हैं दोस्तों। ये है महाराष्ट्र की प्लेइंग 11। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की प्लेइंग 11 देखा जाए तो दोस्तों प्रशांत चोपड़ा, ऋषि धावन, अमित कुमार, कानवर अभिनय सिंह, निखिल गांगटा, अंकुश बेन कैप्टन एंड विकेट कीपर है दोस्तों, पंकज जायसवाल, अंकित कलसी, मयंक ढागर, पीयूष कंदूरी, आयुष जम्वाल है दोस्तों। और दोस्तों परफॉर्मेंस विजय हजारे ट्रॉफी 11 अक्टूबर के तक देखा जाए तो दोस्तों महाराष्ट्र ने नेट रन रेट और 2 मैच लॉस हुए हैं दोस्तों, दोनों मैच हार गए हैं। पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों लॉस, नेट रन रेट और 3 मैच जीते हैं लगातार दोस्तों। एक तरफ से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये लाजवाब फॉर्म है दोस्तों। और दोस्तों महाराष्ट्र के की प्लेयर्स की देखा जाए तो दोस्तों लास्ट 2 इनिंग्स में केदार जाधव ने 95 रन बनाए, वहीं राहुल त्रिपाठी की बात करें तो दोस्तों 3 मैचों में 79 रन बनाए, और समद फाला ने 2 मैचों में 6 विकेट लिए, ये थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों। और सत्यजीत बचाव ने 4 विकेट लिए 2 मैच में, और आर गायकवाड़ ओपनर है दोस्तों, ये 65 रन लिए 3 मैचों में, और ये खाजी ने 6 विकेट्स लिए दोस्तों। और वही हिमाचल प्रदेश के की प्लेयर्स की बात करें तो प्रशांत चोपड़ा ने 158 रन मारे हैं, उसके साथ साथ 4 विकेट लिए हैं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश का की प्लेयर हो सकता है, आप इसे कैप्टन में भी ले सकते हो। और वही दोस्तों मयंक धागर ने 7 विकेट लिए 4 मैच में, और ये खलसी ने 105 रन बनाए हैं 4 मैचों में, और अमित कुमार ने 99 रन मारे हैं 4 मैच में, और ऋषि धवन ने 6 विकेट लिए 4 मैच में, ऋषि धवन को भी आप कैप्टन बना सकते हो दोस्तों। और आयुष जम्वाल 5 विकेट लिए, उसके साथ साथ 67 रन बनाए हैं, और पी जायसवाल ने 7 विकेट लिए 4 मैचों में दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के की प्लेयर्स है दोस्तों। और दोस्तों कैप्टन की बात करें तो दोस्तों आप इसमें सभी को कैप्टन और वाइस कैप्टन ले सकते हैं, लेकिन मैं कैप्टन प्रशांत चोपड़ा, ऋषि धवन और मयंक धागर को लिया मैंने। और वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों केदार जाधव, सत्यजीत बचाव है, आप इनमें बदल भी सकते हो, केदार जाधव का कैप्टन भी ले सकते हो, क्योंकि केदार जाधव इंडिया के लिए खेलते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों, और ऋषि धवन भी पहले खेल चुके हैं भारत के लिए। और यही है दोस्तों पूरा टीम की प्लेयर्स और आई मैच का मेनू और प्लेइंग 11 सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। अब दोस्तों देखते हैं ड्रीम 11। दोस्तों मैंने 2 टीम बना के रख चुका हूँ दोस्तों, आपको पूरा दोनों टीम हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों मैंने विकेट कीपर में मैंने बेंस को लिए हैं दोस्तों, आप चाहे तो नाइक को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बेंस को लिया क्योंकि इनका देख सकते हैं आप वोटिंग देख सकते हैं दोस्तों परसेंटेज, और वोटिंग में देख सकते हैं अंकित बेंस की क्रेडिट 9.5 है, टोटल पॉइंट्स 34 है दोस्तों। और आप हिमाचल और ये मैच में इनका 91.21% सिलेक्शन था, 22 पॉइंट्स था दोस्तों, इसलिए मैंने बेंस को लिए हैं दोस्तों। आप चाहे तो नाइक को भी ले सकते हैं। और बैट्समैन में बात करें तो दोस्तों मैंने गायकवाड को लिया है, गायकवाड क्योंकि आप इंडिया ए टीम के लिए अच्छे परफॉर्मेंस दिए, अभी थोड़ा फॉर्म में नहीं है लेकिन ये अच्छे खिलाड़ी हैं, आप गायकवाड को ज़रूर लेना। और दोस्तों अंकित बावने को आप ले सकते हैं, और ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैंने गायकवाड को लिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने चोपड़ा को लिया क्योंकि आपको ऑलरेडी बताएं ये रन भी लिए हैं और विकेट भी लिए हैं, तो आप इनको ज़रूर टीम में डालना क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं। राहुल त्रिपाठी अब तो देखते होंगे कि आईपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, ये आईपीएल में खेलते हैं राहुल त्रिपाठी, आप इनको ले सकते हैं टीम में। और दोस्तों मैंने लिया एक कलसी को दोस्तों,
मैं एक पूरा चार बैट्समैन लिए दोस्तों मैंने, और ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों मैंने केदार जाधव को लिए हैं। आप केदार जाधव को कैप्टन भी बना सकते हो, केदार जाधव एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऋषि धवन को लिए दोस्तों, ऋषि धवन भारत के लिए भी खेल चुके हैं, आप इन दोनों को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना सकते हो दोनों खिलाड़ियों को। और दोस्तों एस खाजी को मैंने लिया दोस्तों, ये पूरा तीन ऑलराउंडर मैंने लिया है। और दोस्तों गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों मैंने, आप एस फाला को ले सकते हैं दोस्तों, अभिनय को ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने सत्यजीत बचाव को लिए हैं दोस्तों। मैंने इनका देख सकते हैं सेल्बा 90.41% है, अब इनका ये अच्छे बॉलर भी हैं दोस्तों। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कितना विकेट ले चुके हैं। और दोस्तों मैंने एक खाजी को लिए हैं और मैंने मयंक धगर को लिए हैं दोस्तों। ये पूरा मैंने इन तीन खिलाड़ियों को गेंदबाज में लिए हैं दोस्तों। टीम की प्रीव्यू देखा जाए तो दोस्तों मैंने विकेट कीपर में बेंच को लिए हैं और चार बैट्समैन मैंने चूज किया, इसमें राहुल त्रिपाठी, गायकवाड, चोपड़ा और कलसी को लिए हैं। और ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों मैंने केदार जाधव को, एस खाजी को, ऋषि धवन को लिए हैं। और बॉलर में बात करें तो दोस्तों एस सत्यजीत बचाव, एक खाजी और मयंक धगर को लिए मैंने। ये पूरा टीम की प्रीव्यू है दोस्तों। अब दोस्तों आप चाहे तो के इसमें बदल सकते हो आप लोग, कैप्टन मैंने चोपड़ा को और ऋषि धवन को बनाए, आप चाहे तो कैप्टन केदार जाधव को बना सकते हैं। गायकवाड़ थोड़ा अभी फॉर्म में इधर उधर गजर रहे हैं, लेकिन गायकवाड़ एक अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि हर ये रूल नहीं है कि हर मैच में वो फेल हो जाएंगे, ये मैच में वो खेल भी सकते हैं, तो आप गायकवाड़ को भी कैप्टन बना सकते हैं। मयंक धगर को बना सकते हैं वाइस कैप्टन में दोस्तों, राहुल त्रिपाठी को भी बना सकते हैं कैप्टन ऑफ, लेकिन मैंने चोपड़ा को लिए और ऋषि धवन को मैंने लिया दोस्तों। कप्तान मैंने ऋषि धवन को बनाया, क्योंकि ऋषि धवन बैटिंग भी थोड़ा करते हैं और गेंदबाज भी अच्छे हैं, और चोपड़ा ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों। मैंने ये पूरा है दोस्तों, मैं दूसरी टीम आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं दूसरा टीम आपको दिखाएं तो मैंने विकेट कीपर में बेंच को लिए हैं दोस्तों, आपको ऑलरेडी मैंने पहला टीम में भी ले चुके हैं, अब दूसरा टीम में बेंच को लिया, आप चाहे तो नेक को ले सकते हैं, लेकिन मैंने बेंच को लिया। और दोस्तों बैट्समैन में बात करें तो मैंने अंकित भावने को लिए हैं और चोपड़ा को लिया, राहुल त्रिपाठी को लिया, मैं इसमें तीन बैट्समैन को लिया, ज़्यादा नहीं, अगले लास्ट टीम में मैंने चार बैट्समैन को लिए, लेकिन आप चाहे तो ये भी टीम आप ट्राई कीजिएगा। मैंने अंकित भावने, चोपड़ा और राहुल त्रिपाठी को, मैंने तीन बैट्समैन को लिए। अब दोस्तों ऑलराउंडर में बात करें तो अनडाउटेड आप केदार जाधव को ले लीजिएगा और ऋषि धवन को लीजिए, दोनों को जरूर लेना दोस्तों टीम में आपको। और दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने एन घांगटा को लिए हैं और मैंने पूरा तीन ऑलराउंडर लिए हैं दोस्तों, आप इसमें बदल भी सकते हो, एस खाजी को ले सकते हो दोस्तों मैं, और लेकिन मैंने तीन ऑलराउंडर को लिया। और दोस्तों गेंदबाजी में बात करें तो मैंने फलाह को पहले टीम में नहीं लिया, फलाह भी छः विकेट ले चुके हैं, आप फलाह को भी ट्राई कर सकते हैं टीम में। और दोस्तों मैंने सत्यजीत बचाव को लिए हैं, और दोस्तों मैंने मयंक धगर को जरूर लेना टीम में, ये भी अच्छे गेंदबाज हैं। और मैंने जमवाल को लिए, पूरा मैंने चार गेंदबाज को लिए हैं, तीन ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन और एक विकेट कीपर को लिए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको टीम का प्रीव्यू दिखाने वाले हैं, और टीम के प्रीव्यू को दिखाने से पहले मैंने अंकित बेंस को विकेट कीपर लिए हैं। और दोस्तों बैट्समैन की बात करें तो मैंने अंकित भावने, राहुल त्रिपाठी और पी चोपड़ा को लिए हैं। और दोस्तों ऑलराउंडर में बात करें तो मैंने केदार जाधव, ऋषि धवन और एन घांगटा को लिए हैं। और दोस्तों गेंदबाजी में बात करें तो एस फलाह, सत्यजीत बचाव, मयंक धगर और जमवाल को लिए हैं। और दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने बचाव को वाइस कैप्टन लिए हैं और चोपड़ा को मैंने कैप्टन लिया है। इसमें आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, आप राहुल त्रिपाठी या मैच इतने अच्छे प्रदर्शन नहीं दे पाए हैं, लेकिन राहुल त्रिपाठी को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। और मैंने केदार जाधव को आप भी कैप्टन बना, केदार जाधव और के ऋषि धवन में किसी को भी आप एक को कैप्टन बना सकते हैं, यही पूरा टीम है दोस्तों। मैंने दोनों टीम आपको दिखा चुका, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार देना, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि मुझे ये वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है और क्या कंटेंट डालना है। थैंक यू दोस्तों।